दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले फिर एक बार दिल्ली सरकार के काम की तारीफ की है। उन्होंने दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह हमने दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाया है, उसी तरह हम मौका मिलने पर पुलिस और MCED को भी बेहतर बना सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस खराब नहीं है, लेकिन ऊपर से आने वाले आदेशों की वजह से उनके हाथ बंधे हुए हैं और वह चाहकर भी कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में विफल साबित होते हैं। दिल्ली पुलिस को अगर सही आदेश दिए जाएं तो वह करके दिखाएंगे, लेकिन जब राजनीतिक मंशा ही गलत होगी तो पुलिस काम कैसे करेगी, क्योंकि अगर पुलिस आदेश नहीं मानेगी तो उनकी नौकरी चली जाएगी। CM अरविंद केजरीवाल ने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा कि BJP ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन एक वादा तक पूरा नहीं किया, जबकि आम आदमी पार्टी ने अपने सारे वादे पूरे किए हैं, वादों से भी ज़्यादा काम करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि फ्री बस राइड, 200 यूनिट बिजली फ्री का तो हमने वादा भी नहीं किया था, लेकिन ये भी हमने करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली की जनता को तय करना है कि उन्हें BJP की दिल्ली पुलिस का शासन अच्छा लगता है या आपके स्कूलों का शासन बेहतर लगता है। इस दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, दबाएं इस बेल आइकन को और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।